El Dorado. इस तरीके की रील्स वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। आप लोग देख सकते हो 3.4 मिलियन व्यूज़ और साइड में 1.3 मिलियन व्यूज़ तक इस वीडियो पे गया हुआ है। करीब करीब 12,000 वीडियो अभी इस सॉन्ग्स पे बन चुके हैं। अगर आप लोग इस तरीके के रील्स बनाते हो तो शायद आपके भी रील्स यहाँ पर ज़्यादातर वायरल होने के चांस बने रहेंगे। तो इसके लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने VN वीडियो एडिटर ऐप का लिंक दे रखा हूँ, चाहे तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको जो बीच में प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने रील्स वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, सो आप लोग उस रील्स वीडियो को डाउनलोड कर लोगे। अगर आपको रील्स वीडियो डाउनलोड नहीं करने आता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख कर सीख सकते हैं कि रील्स वीडियो डाउनलोड कैसे किया जाता है। देन अब हम लोग उस रील्स को डाउनलोड करने के बाद सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब हमें इस वीडियो का सबसे पहले म्यूजिक एक्सपर्ट करना है, तो म्यूजिक एक्सपर्ट करने के लिए आपको नीचे इसको स्लाइड करना होगा। आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, आपका म्यूजिक यहाँ पर एक्सपर्ट हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे इस वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ताकि इसका जो म्यूजिक है वो म्यूट हो जाए, क्योंकि हमारा म्यूजिक तो यहाँ पर ऐड हो ही चुका है। अब आपको सबसे एंड में जाना है। एंड में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट देखने को मिलेगा, इस पार्ट को आप लोग क्लिक करके डिलीट कर दोगे। डिलीट करने के बाद अब हमें इस वीडियो को दो पार्ट में कट करना है, तो मैं आपको टाइमिंग के साथ बताऊंगा कि इस वीडियो को कितने सेकंड पर कट करना है। तो आप लोग देख सकते हो कि 4.98 सेकेंड पर आपको आ जाना है एंड इस वीडियो को यहाँ से स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दो पार्ट में कट कर देना है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो कि हमारा वीडियो दो पार्ट में कट हो चुका है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मेरा वीडियो नहीं है, इस वीडियो को हम लोग यहां से क्लिक करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब आपको जो प्लस का आइकन दिख रहा है बड़ा वाला, आपको इस बड़े वाले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड आपको जो भी वीडियो सेलेक्ट करना है उस वीडियो को आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारा वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुका है, इस वीडियो को हम लोग इसमें एडिटिंग करने वाले हैं। अब आपको जो ऊपर म्यूजिक दिख रहा है, आपको म्यूजिक पे क्लिक करना है एंड इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से बढ़ाकर यहाँ तक एंड में ले आना है, जहाँ तक कि हमारा वीडियो है। उसके बाद अब हमको यहाँ पे करना क्या है, अब आपको जो बीच में प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड ब्लैक वाला ऑप्शन जो फर्स्ट में दिख रहा है, आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करके टिक कर देना है। अब हमारा जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिटिंग हो चुका है, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इसमें स्लो मोशन वीडियो कैसे एडिट करेंगे। अगर चाहें हम इस वीडियो में स्लो मोशन वीडियो एडिट करना, तो वो कैसे करना है। तो स्लो मोशन वीडियो एडिट करने के लिए जहाँ भी आपको स्लो मोशन करना है, जैसे कि हमें यहाँ पर स्लो मोशन करना है, तो यहाँ स्लो मोशन करने के लिए आपको यहाँ पर आना है। देन आपको नीचे जो स्पीड वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ भी स्लो मोशन ऐड करना है, वहाँ पर आपको इसको रोक देना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपको रोकना है एंड आपको इसी तरीके से यहां पे जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को नीचे की तरफ स्लाइड कर देना है। जैसे आप लोग स्लाइड करोगे यहां पे ये स्लो हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यहां भी स्लो करें, तो हम लोग यहां भी इसको जितना नीचे आप खींचना चाहेंगे उतना नीचे खींच सकते हैं, तो ये स्लो हो जाएगा। एंड अगर इसको फास्ट करना है, तो आप लोग ऊपर की तरफ इसको खींच दोगे तो ये फास्ट भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करके चाहे तो आप लोग इसको स्लो एंड फास्ट भी यहाँ से कर सकते हो। तो एक ही वीडियो में मैं यहाँ पर दो ट्रिक बता दिया हूँ। अगर आपको अलग से स्लो मोशन का वीडियो चाहिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आपको उसमें अच्छे तरीके से बताएगा कि आप लोग स्लो मोशन वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं। देन अब हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब हमारा जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिटिंग हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। स्लो मोशन के साथ हमारा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ये बेहतरीन साबित होने वाला है। अब अगर आपको VN वीडियो एडिटर ऐप के अंदर वीडियो एडिट नहीं करने आता है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप लोग VN वीडियो एडिटर ट्यूटोरियल को देखकर सीख सकते हो VN ऐप के अंदर वीडियो अच्छे तरीके से कैसे एडिट किया जाता है। अब इस वीडियो को गैलरी में लेके जाने के लिए आपको ऊपर एक्सपर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब इसको फुल कर देना है, यहाँ पे जो भी है इसको फुल कर देना है, टिक कर देना एंड यहाँ पे नीचे टिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे हमारा 100% हो जाएगा, ये वीडियो हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा।
सो आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रील्स वीडियो एडिटिंग कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।